नमस्कार, मैं हूं शुभम वाजपेयी। आप देख रहे हैं आरबीएल हिंदी न्यूज। आज आपको हम यहां की समस्या, थाना मिल एरिया के निकट काशीराम कॉलोनी की समस्या है कि यहां पे इतना ज़्यादा जल भराव रहता है और रोडों को दिक्कत है और ना ही नाली गड्ढे और खड़िंजा लेके इतनी ज़्यादा समस्या है। यहां के लोग परेशान हैं इनके। आज यहां के लोगों के द्वारा जानते हैं कि क्या समस्या है यहां पे। जी आपका नाम क्या है? उज्ज्वला जी, यहां पे क्या समस्या रहती है? सर रोज बारिश में यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। यहाँ तो कब आ गए, आप देखेंगे पावर हाउस के पास तो काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है। हम लोग को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं शत्रुघ्न जी, उनका क्या कहना रहता है? यहाँ पे आए हैं अभी तक एक बार भी? सर वो अभी यहाँ नहीं आए हैं, इलेक्शन के पहले आए थे बट उसके बाद अभी नहीं आए। ऐसा कार्य कि आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, इसी रोड से आप आए हैं, देख सकते हैं आप भी कि क्या काम किया है। कोई भी सरकार आए बट हमारा काम करे बस, हमें सरकार से मतलब नहीं, जो आए हमारा काम करे बस, हमें आने जाने के लिए रास्ता हमारी बनवाए बस। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि जो भी सरकार आए लेकिन इनका कार्य करे। दादाजी आपका क्या नाम है? सिया राम जी, यहाँ पे क्या दिक्कतें आप लोगों को उठानी पड़ रही हैं? बहुत समस्या, देखो हम लोग नहीं मिल रहा है यहाँ से, यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाके पलट जाते हैं, फिर आदमी को चोट लग जाती है। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी? अरे ये कम से कम 6-7 साल से सही है, साल से। मतलब आपका कहना है कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से यहाँ की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ की जनता बहुत ही दुखी है सरकार के कार्यों द्वारा। यहाँ पे आपका मतलब इतना ज्यादा जल भराव की व्यवस्था हो रही है कि इतनी जनता यहाँ की परेशान है। दादाजी आपका क्या नाम है? दादाजी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम आपके सामने है, ज़्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहना यही कि हम सपोर्ट उठा करेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी हम वही सरकार चाहेंगे, बाकी और नाम कुछ नहीं। तो आप कोई भी सरकार आती है चुनाव से पहले आते हैं यहाँ घूमते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रात में जब जीत जाते हैं काफ़ी मामला आ जाते हैं, चेहरे दिखाई नहीं आते यहाँ। आइए, कोई भी जैसे सभासद बन रहे हैं या मंत्री बन रहे हैं तो कहेंगे हम ये तुम्हारी रोड सही कराएंगे। मान लो स्कूली बच्चे ही पेपर देने जा रहे हो, गिर गए पानी में तो पेपर कैसे जाएंगे, उनका पेपर छूट जाएगा, फेल नहीं हो जाएंगे आप? ये हमेशा पानी भरा रहता है, जब बारिश होती जब पानी भर, मान लो यहाँ से वहाँ, तो यहाँ से कोई इतना निकल जाते बच्चे, वहाँ से पेपर से कैसे निकले, पेपर में जाने में देर हो रही है और कपड़ा भीग गया सब, पेपर खराब होगा, फेल हो जाते हैं बच्चे। आप ऐसे स्कूल सोचिए तो हम कहते हैं कि बच्चे जो हमें पढ़ लें अच्छे निकले, हम भी माँ बाप हैं, हम तो यही कहते कि जो रोड बनवाएगा वही को चुनना पसंद करेंगे। मान लो इधर से उधर पानी सारे में बोता कचरा रहता है, ये तो सोचो तो मान लो ऐसे तो पहले सब लोग कहते हैं, जब वोट पा जाता तो फिर कोई नहीं दिखाई पड़ता। आप मान लो जब रोड जब तक बनेगी नहीं, पेपर चल रहे बच्चे भीग जा रहे हैं तो कैसे, मान लो कुछ कोई कार्य कराओ, करो अपनी रोड सही करा दो तो आदमी सोचेगा हाँ ये आदमी अच्छा है तो हमने ऐसा करा। आप खुद देख लीजिए, वहाँ हमको कहीं नहीं देखा, आप पानी भरा, खुद आए हो देख रहे हो, सब चारों तरफ से पानी भरा है। रायबरेली की जनता यहाँ पे जल भराव और सड़कों को लेकर और नालियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ के रायबरेली की जनता का कहना ये है कि जो भी सरकार आए इन समस्याओं को जो सरकार दूर कर देगी वही सरकार रायबरेली की जनता पसंद कर रही है चुनना, उसी सरकार को। रायबरेली से आरबीएल हिंदी न्यूज़ के लिए मैं शुभम वाजपेयी।